वैष्णो देवी का नाम आते ही आपके मन में सबसे पहले ख्याल आता है जम्मू का, लेकिन आज हम ब्रज की वैष्णो देवी पे आए हैं। हाँ, आप मेरे पीछे काउंटर देख सकते हैं, इसमें शूज वगैरह रखते हैं लोग। आपको एक कूपन मिल जाएगा, अंदर ही आपको टिकट मिल जाएगी बिल्कुल। आपको अपना नाम बताना होगा और डिस्ट्रिक्ट बतानी होगी, स्टेट बताना होगा, साथ में ये फ़ोन नंबर बताना होगा जिसके तहत आपको टिकट होगी। आप पूरा फ़ोन ले जा सकते हैं, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने खूबसूरत देवी की प्रतिमा जो लगभग 150 फुट से भी ऊंची है, और बगल में बिल्कुल हनुमान जी बैठे हुए हैं इनके, और इसको देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। आप भी देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत नज़ारा आपके सामने है माता रानी का, और आप अगर भक्त हैं माता रानी के तो एक बार आपको ज़रूर आना चाहिए। कुल जम्मू कश्मीर में जो माता वैष्णो की गुफाएं हैं, ऐसे ही इन गुफाओं को निर्मित किया गया है। दोस्तों, जब ये माता रानी के जस्ट सामने ये पेड़ है, और जो भी अपनी ख्वाहिश होती है तो ऐसा माना जाता है कि इसी माता रानी के जो पेड़ है ना, इसके सामने अपने मन्नत का आप धागा बांध सकते हैं, जिससे आपकी जो भी अंतर्मन की बात होगी माता रानी सुन लेती है और आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जब भी आएँ तो आप धागा जरूर बांधें। अब मेरे जो पीछे देख रहे हैं ये यमुना जी है, और मंदिर के अंदर और काफ़ी भक्ति का यहाँ पे माहौल है दोस्तों, और काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। मैं थोड़ी देर में आपको उनको दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं मंदिर के अंदर हूँ, शायद मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही होगी, उसकी ये वजह है कि थोड़ा यहाँ पर क्या भजन कीर्तन ज़्यादा हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और जैसे ही आप अंदर आएंगे तो अलग ही मतलब फीलिंग होगी आपकी। तो हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी की गुफा में, और काफ़ी शानदार गुफा यहाँ की मानी जाती है, बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा देखना आगे। शेरोवाली की मूर्ति गुफा के अंदर,
चंद्र घंटा देवी हमारी स्कंद माता है दोस्तों। ये हमारी कात्यायनी माता है, काल रात्रि माता है दोस्तों, हमारी काल रात्रि माता। ये महागौरी है दोस्तों, ये महागौरी देवी। ये सिद्धिदात्री है दोस्तों, सिद्धिदात्री माता। ये भैरव जी हैं जिनका वाहन कुत्ता है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी। ये गुफा बिल्कुल ख़त्म होने वाली है दोस्तों, और हम धीरे धीरे बिल्कुल संभल कर बढ़ रहे हैं क्योंकि नीचे पानी बह रहा है निरंतर। तो काफ़ी सुकून भरी जगह है दोस्तों, काफ़ी शांति मिल रही है यहाँ पर, एकदम भक्ति भरा माहौल, लोगों में उत्साह, पूरी तरह से श्रद्धा दर्शा रहा है यहाँ पर। फाइनली दोस्तों गुफा का रास्ता जो बाहर का है आ चुका है, आप सब देख सकते हैं सामने भी को नवानी माता रानी की मूर्ति है। दोस्तों यहाँ से शुरू होती है परिक्रमा, ये देवी जी की मूर्ति है यहाँ से। बनाया गया है आप देख सकते हैं, और ये सामने एक छोटा सा पांडाल है, और यहाँ छोटे छोटे खूबसूरत पेड़ लगाए गए हैं। और ये पीछे से माँ शेरोवाली की मूर्ति कितनी विशाल लग रही है, देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है आसमान को छू रही हो, काफ़ी विशाल गाय मूर्ति है ये। दोस्तों यात्रा हमारी पूरी हो गई, अब निकल रहे हैं जैसे वो गुफा थी, बिल्कुल ये बाहर जाने का रास्ता भी वैसा ही है। काफ़ी पानी बह रहा है यहाँ पर, आप फिसल भी सकते हैं, इसलिए ज़रा ध्यान से आपको चलना होगा। बाहर का रास्ता दोस्तों, मंदिर का बाहर जो हमने दर्शन वगैरह पूरे कर लिए, बाहर निकल रहे हैं हम यहाँ से। फाइनली हमने यहाँ के दर्शन किए, अब आपको तो एक ही अलग एक्सपीरियंस होगा। मंदिर में पूरी तरह से नेचर टच है, और काफ़ी एक्साइटेड जगह है ये, और दूर दूर से लोग यहाँ पर आ ही रहे हैं, आपने देख लिया। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। परिक्रमा मार्ग जो था गुफा थी, काफ़ी शानदार थी, और दर्शन भी हो जाएंगे, आपको समय का भी पता नहीं चलेगा। इसकी लोकेशन है, इसको बोलते हैं छटीगरा वैष्णो देवी का मंदिर, जो गोवर्धन, यहीं से थोड़ी दूर प्रेम मंदिर है जिसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो मंदिर है 8 बजे खुलेगा और 1 बजे के बाद ये बंद हो जाएगा, फिर शाम को 4 बजे खुलेगा। इसलिए जब भी आप दर्शन करें तो कोशिश यही होनी चाहिए कि 1 बजे से पहले पहले आप यहाँ पर आ जाएँ। और यकीन करो दोस्तों, इससे खूबसूरत मंदिर आज तक आपने नहीं देखा होगा, पूरी ऐसा पीछे देख सकते हैं माता वैष्णो देवी हमारे, और काफ़ी अमेजिंग जगह थी, काफ़ी फीलिंग वाली जगह थी। तो फाइनली आपसे यही कहूँगा कि कार आया, काफ़ी एक्साइट रहा मैं, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारी जो मंजिल बदलती रहती है, हर वीडियो होगी तो एक अच्छी लोकेशन के साथ होगी, एक अच्छे पर्पज़ के साथ होगी। तो थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अगली मंजिल पर चलते हैं।